आफ्टरनून क्लास। आज हम पेपर क्राफ्ट करेंगे और पेपर क्राफ्ट के लिए हम ले रहे हैं एक A4 सीट। ठीक है, सबसे पहले आपने A4 सीट को क्या करना है, फोल्ड करना है। इक्वली फोल्ड करेंगे आप उसको। फिर आपने उसको बैक साइड में लेना है, ये देखिए। फिर प्रेसिंग, फिर ऐसे ही बैक साइड से भी आपने उसको क्या करना है, प्रेसिंग करेंगे और इक्वल इक्वल आपने उसको फोल्ड करना है। जब ये फोल्ड हो जाएंगे तो फिर आपने क्या करना है, एक फोल्ड और लेना है। फिर आपने इसको भी ऐसे सेम टू सेम सेकेंड फोल्ड लेना है। फैन फोल्ड में आपने उसको इक्वल फोल्ड करना है। इस तरीके से आपके पूरे फोल्ड इक्वल इक्वल उसमें आ जाएंगे। ठीक है, और आप उसको अच्छे से प्रेसिंग करेंगे। देखिए, फैन फोल्ड हो गए हैं इस साइड से भी और उस साइड से भी। अब आपने बनाना है इसमें क्या, डिजाइन। ठीक है, जब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे उसके बाद ही उसमें अच्छा सा हम फिर कटिंग करेंगे और उसके बाद हम इस वर्क को करेंगे। सबसे पहले हमने करना है दोनों साइड में। ठीक, इसको बीच से फोल्ड करेंगे और उसके बाद ठीक है, आप सेम टू सेम डिजाइन पहले मैं इसको कटिंग कर लूँगी, उसके बाद ही देखिए फर्स्ट शेप में कटिंग किया है, सेकंड, थर्ड। आप चाहे तो इसको भी यहाँ पर भी कटिंग कर सकते हो। डिजाइन आप कुछ भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक ही डिजाइन बनाना है, आप डिजाइन कुछ भी बना सकते हो। ये देख, एक एक करके सारे डिजाइन्स कट लिए हैं। देखिए, जितने मैंने डिजाइन ड्रॉ किए थे मैंने उसको काट लिए हैं। ठीक है, ये देखिए इसका डिजाइन बन गया है। अब जो मैंने हाफ फोल्ड किया था ना, आपने हाफ फोल्ड ऐसे करेंगे और इसके डिजाइन्स को आपने इस पर, ये देखिए ऐसे हाफ फोल्ड करना है और सेम डिजाइन को आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने डिजाइन को ड्रॉ कर देंगे और पूरा डिजाइन इस पर जैसा एज इट इज उसको निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये डिजाइन बन गए हैं और उसके बाद मैं इसको भी वैसी कटिंग कर लूँगी जैसे कि ऊपर बना हुआ है।
अभी सबको पता है कि क्रिसमस आ रहा है, तो हमें वॉल को, घर को डेकोरेट करना है, तो उसके लिए ही मैं आपको कुछ बता रही हूँ हम लोग इसको क्रिसमस में यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि आप लोग घर पे ही बनाएं। जो लाइट्स स्टार हम लोग मार्केट से लेते हैं, वो हम मार्केट से ना लेके घर पर ही बनाएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपने घर को जो भी है सुरक्षित रख पाएंगे। पता है आपको कि कितना डेंजरस अभी बाहर जाना, सो प्लीज़ बाहर जाने से बढ़िया है कि आप कुछ भी चीज़ हो आप घर पर बनाएंगे। इस तरीके से पूरा डिज़ाइन कट हो गया है और अब हम इसको ओपन करते हैं। देखिए हम इसको ओपन करते हैं, देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बन के आया है। और हम जब इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ऐसे में फोल्ड करके हम इसको यूज़ करेंगे। बट अभी मैं आपको इसको स्टैपल करके बताती हूँ। सबसे पहले आपने स्टैपल करना है एकदम मिडिल में, ठीक है। उसके बाद आपने करना है कॉर्नर पर, अगर आपके पास स्टेपलर नहीं है तो आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप बीच में करना है तो आपको स्टेपलर की ज़रूरत तो होगी, या तो आप किसी टेप से उसको अच्छे से कर देंगे होल्ड, बट वो टेप से पूरा दिखाई देगा, इसलिए मिडल में आप स्टेपलर यूज़ करेंगे और बाकी जगह तो आप फेविकॉल का यूज़ करके भी उसको पेस्ट कर सकते हो। ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है हम जब उसको वॉल पर हैंग करते हैं, तो इस तरीके से हमारा पूरा डिज़ाइन बहुत सामने से अच्छा लग रहा है, ठीक है। आज के लिए हम इसको बनाएंगे और इस क्राफ्ट को एंजॉय करेंगे।